इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बहराइच से। बहराइच में MLC चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी की हुई जीत, तो वहीं सपा प्रत्याशी को बीजेपी प्रत्याशी ने हराया। जी हां, बहराइच स्थानीय प्रकरण MLC चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने 3188 मतों से सपा प्रत्याशी को एक तरफ मुकाबले में पराजित कर दिया। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी की जीत से समर्थकों में जश्न का माहौल है। बहराइच श्रावस्ती MLC चुनाव में 9 अप्रैल का हुआ था, जिसमें 98.91% मतदान हुआ था। भाजपा ने डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और सपा ने अमर यादव को प्रत्याशी बनाया गया था। तो वहीं मंगलवार को सुबह 8 बजे से 7 टेबल पर मतगणना शुरू हुई। पहले राउंड से ही भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने बढ़त बना ली। सुबह 10 बजे से ही मतगणना पूरी हो गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी अमर यादव को 3188 मतों से पराजित कर दिया। तो वहीं भाजपा की डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी को कुल 3419 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी को मात्र 231 मत मिले हैं। तो वहीं 67 मत अवैध मिले। भाजपा प्रत्याशी की जीत पर समर्थकों में खुशी का माहौल है। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने जिलाध्यक्ष जी को और पूरे संगठन को भारतीय जनता पार्टी के धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो वोटर्स हैं हमारे, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय हमारे सारे ब्लॉकों के प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्य, सभासदगण और नगर पालिकाओं के जो चेयरमैन हैं, और उसके साथ संपूर्ण संगठन को और सभी हमारे मोर्चों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार देना चाहूँगी। सब ने बहुत कठिन परिश्रम किया और ये सीट निकालने में सबका बहुत 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 बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास करके ये मुझे प्रत्याशी बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से पार्टी में आई मैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसी बात को लेकर और इसी विचार को लेकर मैं लगातार कार्य करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर के बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, कैसे साथ में सब लोग हैं, मिलके निभाएंगे और पूरा 100% पूरी मेहनत जैसे सरकार कर रही है, वैसे मैं भी साथ मिलके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर मैं भी चलूं।